नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ दीपक गोतरे। हमारी खास पेशकश में अब कब सुधरेंगे हालात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किडनी बीमारी से ये गांव प्रभावित है। सूबे बेड़ा में राज्यपाल अनुसुईया उइके मरीजों से चर्चा के दौरान भावुक हो गए। राज्यपाल ने सूबे बेड़ा के ग्रामीणों से कहा है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, सूबे बेड़ा अब मेरी जिम्मेदारी है। मंगलवार को राज्यपाल समेत स्वास्थ्य मंत्री टीएन सिंहदेव, सांसद चुन्नीलाल साहू सूबे बेड़ा पहुंचे। वहां पर राज्यपाल ने किडनी प्रभावित मरीजों और उनके परिजनों से वन टू वन चर्चा की। क्या लगता है कि अब सूबे बेड़ा के हालात बदल जाएंगे? वाकई में क्या लोगों को अब किडनी की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी? ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि हालात को देखते हुए सूबे बेड़ा में पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गांव के ग्रामीणों से एक एक करके चर्चा की, उनकी समस्याओं को जाना और परेशानियों पर चर्चा की। बता दें कि सूबे बेड़ा में दूषित पानी पीने से पिछले 5 साल से किडनी की बीमारी ग्रामीण जो है उनमें फैल रही है। इसके चलते पिछले 3 साल में 71 लोगों की मौत हो गई है। इसमें बीते 15 अक्टूबर को किडनी बीमारी से प्रभावित मरीज अकालू मसरा की मौत के बाद फिर से वहां पर जो ग्रामीण है उनमें दहशत बढ़ गई है। हालांकि राज्य सरकार वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर करेंगे, क्या अब सुधरेंगे हालात? उससे पहले देखिए रिपोर्ट। क्या अब सूबे बेड़ा के हालात बदल जाएंगे? क्या लोगों को अब किडनी की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा? आज इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि हालातों को देखते हुए राज्यपाल ने आज खुद सूबे बेड़ा का दौरा किया, ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। राज्यपाल के साथ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक बार फिर ग्रामीणों को कई आश्वासन दिए। सबसे बड़ा आश्वासन ग्रामीणों को इस बात का दिया गया कि अब ग्रामीणों को इलाज के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। दवाई से लेकर अस्पताल में उनके खाने पीने और रुकने की जिम्मेदारी शासन द्वारा उठाने की घोषणा की गई। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की भी घोषणा इस दौरान की गई। इसके अलावा गांव की 2 विधवा महिलाओं को कलेक्टर दर पर नौकरी देने के अलावा बाकी महिलाओं को समूह के माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आवागमन को लेकर 2 बड़े पुलों का निर्माण जल्द से जल्द करने का भरोसा भी दिया गया। राज्यपाल लगभग 3 घंटे गांव में रुकी, वहीं अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सूबे बेड़ा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया। उन्होंने अपना और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का फोन नंबर ग्रामीणों को ये कहते हुए सार्वजनिक कर दिया कि उन्हें कोई भी परेशानी या दिक्कत होती हो तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सूबे बेड़ा में तो ऐसा है, जिम्मेदारी एक प्रकार से मेरी अकेले की नहीं है, पूरा शासन की है और कर रहे हैं उस जिम्मेदारी को। ऐसा नहीं है, आज मेरे साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सिंहदेव जी भी साथ में गए थे और पिछले 2 अक्टूबर को भी वो गए थे वहाँ पर। अब बात यह है कि नीचे स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उनके सबसे बेसिकली जिम्मेदारी तो उनकी होती है। डॉक्टर नहीं थे, डायलिसिस मशीन की शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तब डॉक्टर पहुंच गए। वहां जाने पे अब ये बताया गया कि नहीं, बिजली का चाप पूरा नहीं होता है, वोल्टेज पूरा नहीं मिलता है, तो एक जनरेटर, हमारे सांसद जी भी साथ थे तो वो भी आगे आके उन्होंने भी सहमति दे दी कि हम जनरेटर उपलब्ध करा देंगे। दवाइयों की बात आ रही है, निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ डीकेएस में नहीं मिल रही, ब्लड नहीं मिल रहा, तो ब्लड बैंक से भी बात करके मैंने कलेक्टर साहब से परसों कल बात की थी और उन्होंने भी सहमति इसमें दे दी। सूबे बेड़ा के हालात को लेकर राज्यपाल के दौरे के बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कौशिक ने अपने बयान में कहा है कि सूबे बेड़ा की स्थिति वास्तव में गंभीर है। सूबे बेड़ा की स्थिति वास्तविक में गंभीर स्थिति है और जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है कि हालात ठीक नहीं है, ये कहने से सरकार के हितश्री नहीं होगी बल्कि उनका निवारण कैसे हो इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उसमें जो कारण गिनाए गए हैं, एक तो पानी के, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पानी की समस्या का निदान ना कर सके सरकार। पाइपलाइन से बाहर से ला करके लाना पड़े, बिछाना पड़े और पानी के कारण यदि बीमार पड़े ये तो सरकार की असफलता है।
स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा है कि हालात ठीक नहीं है, ये कहने से सरकार की इतिश्री नहीं हो जाती। मुझे नहीं लगता कि पानी की समस्या का निदान सरकार कर पाए। पानी की वजह से यदि कोई बीमार हो रहा है तो ये सरकार की असफलता है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि दूसरी बात ये है कि उड़ीसा से जो शराब आ रही है उसकी वजह से स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार क्या उड़ीसा से आ रही शराब को रोकने में अक्षम हो गई है? अवैध रूप से लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, ये सरकार के लिए शर्मनाक है। मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, ऐसी जगहों पर काम करने वालों को आमंत्रित करना चाहिए। प्रभावित लोगों का इलाज कहाँ किया जा सकता है ये देखा जाना चाहिए। पैसे की कोताही नहीं करनी चाहिए। पैसे से जान की कीमत ज्यादा नहीं होती। सरकार को तत्परता बरतने की जरूरत है। आज हम यदि हाथ उठा दें कि पिछली सरकार ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ये कोई बात थोड़ी न होती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय सिंह ठाकुर जो कांग्रेस प्रवक्ता है, और कुणाल शुक्ला जी जुड़ गए हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और बाबूलाल शर्मा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जिस तरीके से अगर देखा जाए, बाबूलाल जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जहां देश विश्व गुरु बनने की बात करता है, बाकी देश जहां एक बीमार मरीज होता है तो उसको लेने भी एम्बुलेंस की 10 गाड़ियां पहुंच जाती हैं और ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है जापान जैसे देशों में, और अपने देश में जहां पर 70 लोग दम तोड़ देते हैं उसके बावजूद सरकारें आती हैं, आश्वासन देती हैं और चली जाती हैं, अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कितनी बड़ी विडंबना और शर्मनाक बात है ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, और साथ ही साथ जो शासन पहले रहा जिस सरकार का, और वर्तमान सरकार क्या कुछ करती है देखने वाली बात होगी। देखिए, मैं अभी आप कौशिक जी का बयान मुझे सुना रहे थे, मैं इसको सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। कौशिक जी ने जो बयान दिया है वो सरकार पर डाला है, तो सरकार तो सबसे ज्यादा समय, 70 मौतें तो उनके सरकार के समय हुई है, तब शुद्ध पेयजल क्यों नहीं पहुंच पाया, व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाई, ये जानकारी क्यों नहीं हो पाई कि किस कारण से वो बीमारी हो रही है, क्या कारण है, क्या उस समय उड़ीसा से शराब नहीं आती थी, इस बात का जवाब भी चाहिए था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पक्ष विपक्ष क्या है, ये पक्ष विपक्ष का मसला नहीं है। सुपेबेड़ा मानवीय दृष्टिकोण का मामला है। वहां अगर ये समस्या है तो ये सबके लिए समस्या है, ये कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है कि वहां के ग्रामीण जो है वो मारे जा रहे हैं, और अज्ञात बीमारी एक प्रकार की जो किडनी कहा जा रहा है, लेकिन किडनी में भी इलाज है तो क्यों नहीं हो पा रहा उसका इलाज, ये देखने लायक बात है। तो इस बात के लिए पक्ष विपक्ष वाला मसला छोड़ करके जो है सबको मिलजुल कर देखना चाहिए। राज्यपाल ने जो आज बीट में बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक तो उन्होंने अपना फोन नंबर दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा मौका हमारे प्रदेश में आया है कि जब राज्यपाल सीधे लोगों से जुड़ने का प्रयास जो है किसी विषय पर, किसी समस्या पर जुड़ रही हैं, और वो उनका अधिकार है। पांचवी अनुसूची के तहत वहां जो है जितने आदिवासी रहते हैं उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी है, वो उस बात के लिए जिम्मेदार भी हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जिम्मेदारी मेरी है, आप लोगों की, बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने संविधान के अनुरूप उस बात को कहा है। अब सवाल आता है, इन्होंने कह दिया शराब उड़ीसा से आती है, तो शराब उड़ीसा से पहले भी आती थी, अभी भी आती है। देखिए, जो अभी किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, वो घोषणाएं वहां पर टी एस सिंहदेव साहब ने की हैं। आवागमन के साधन जोड़ने की बात की है, बिल्कुल सही दिशा है। भोजन मुफ्त की बात, जो इलाज के दौरान इलाज मुफ्त की बात, और नौकरी देने की बात जो की है, या शुद्ध जल उपलब्धि की बात की है, सारी सकारात्मक सोच के तरफ निर्णय है, और निश्चित रूप से इसका स्वागत करने किया जाना चाहिए। मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका स्वागत करना चाहिए कि ये कोशिशें हुई, हो रही हैं, और इसका इम्प्लीमेंटर देखिए, बहुत बड़ी बात राज्यपाल ने आज कही है, जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह के समय से कहते आ रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो निचले स्तर के अधिकारी करते हैं, उसमें कहीं गलती है। राज्यपाल जैसी हस्ती आज ये स्वीकार कर रही है कि प्रदेश में निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियां कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल धनंजय जी, क्या सरकारें आएंगी जाएंगी, आश्वासन वादे सिर्फ यही उस जनता, सुपर बेड़ा की जनता को मिलेंगे, या जो बीमारी से उन्हें कभी निजात भी मिलेगा, ऐसी भयावह बीमारी जिसके नाम से खौफ खाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 70 परिवार जो 70 व्यक्ति है
ऑफिशियली रिकॉर्ड है, उसके बाद भी अगर एक व्यक्ति आया जिसके 15 उसके परिवार के लोग खत्म हो गए इस बीमारी से, मृत्यु हो गई उनकी, उसने स्वीकारा है कि सिर्फ 200 से ज्यादा का आंकड़ा है ये। और कमाल की बात यह कि कोई एक व्यक्ति मरता है तो उस व्यक्ति के साथ कई लोग उसके साथ मरते हैं, एक पूरा परिवार उसके साथ एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो ऐसे न जाने कितने वहां परिवार हैं। क्या अब इस बीमारी को इतनी गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाई है। खुद मंत्री टी एस सिंहदेव जी कह रहे थे क्या ये अनुवांशिक है या फिर ये पानी से ही फैल रही है, क्या है आखिर इस बीमारी है, क्या कहां से फैल रही है, क्या वाकई पानी के अलावा कोई दूसरा स्रोत नहीं है, क्या यही डायग्नोस अब तक क्यों नहीं हो पाया? देखिए निश्चित तौर पर सुपेबेड़ा एक चिंता का विषय है कि सुपेबेड़ा के नागरिक भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, और पूर्ववर्ती सरकार के दौरान थोड़ा सा बात मैं करना चाहूंगा आपसे, 80,000 करोड़ 85,000 करोड़ का बजट बनाया गया छत्तीसगढ़ में, और सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाए, वहां पे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाए, और भी वहां पे जो जो समस्याएं थी उसको दुरुस्त करने में वो सरकार नाकाम रही है। और पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इस सुपेबेड़ा को लेकर हमेशा से चिंता जाहिर की है, और आज हम सत्ता में हैं तो निश्चित तौर पर आज हम चिंता के साथ चिंतन भी कर रहे हैं कि सुपेबेड़ा में जो बीमारी है, जो बीमार है, उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और कोई दूसरा बीमार ना हो। इन सभी पहलुओं पर भी वहां पर चिंता जाहिर की जा रही है, उसका परीक्षण किया जा रहा है कि आखिर ये बीमारी क्यों हो रही है, क्या ये बीमारी सिर्फ पानी की वजह से हो रही है, क्या बीमारी वंशानुकूल है, क्या बीमारी डायबिटीज के कारण हो रही है या हाइपरटेंशन कारण हो रही है या कोई अन्य समस्या है। इन सभी पहलुओं पर परीक्षण करके और कोई दूसरा व्यक्ति वहां बीमार ना हो इसको लेकर सरकार चिंतन कर रही है, और जो व्यक्ति बीमार है उसको स्वास्थ्य कैसे बेहतर तरीके से हम दे सकते हैं। आप देखेंगे 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री टी सिद्धेव जी वहां जाकर कैंप करते हैं, वहां के निवासियों से जो बीमार है उनसे आग्रह करते हैं कि वो आए डीकेएस में उनके इलाज कराएंगे, एम्स में इलाज कराएंगे और किसी प्रकार की उनको समस्या नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की संवेदनशील सरकार की ये चिंता है जो राज्य के हर व्यक्ति की चिंता करता है। और आप देखेंगे जो वहां की जनता ने डिमांड किया है कि तेल नदी पे पुल बना दिया जाए, वो पुल स्वीकृत कर दिया गया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वहां पे स्वीकृत कर दिया गया है, 1 साल के भीतर वहां शुद्ध पेयजल मिल जाएंगे, डायलिसिस यूनिट जो वहां पे लगा हुआ है जिसमें टेक्नीशियन की कमी थी वहां पे एक डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है एमडी की। तो पूरी तरीके सरकार जो है सुपेबेड़ा की जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये सरकार काम करने वाली है, ये आश्वासन देने वाली सरकार नहीं है, और काम हमारा दिख रहा है। सुपेबेड़ा की बीमारी अभी समझेंगे बहुत ही नियंत्रण पे, और सरकार सतत निगरानी उस पर रखी हुई है। चलिए ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पी एस सिंहदेव जी के दौरे के बाद भी वहां पर एक जो व्यक्ति इसके 15 सदस्य खो चुका है उसने भी ये कहा था सिर्फ ये दौरे सर चलते रहते हैं और ये दौरों से कुछ नहीं होता, लेकिन अब देखते हैं हालात कितना बदल पाते हैं, क्योंकि राज्यपाल का भी दौरा हुआ है तो जाहिर है कि अब शायद कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से कुणाल जी अगर हालात देखें, पिछली सरकार की तो बात ही मत करिए क्योंकि उन्होंने कुछ किया या किया नहीं, अब वो विपक्ष में बैठे हैं, सवाल अब की बार की जो सरकार है उससे है कि अभी तक आखिर जो बीमारी है हवा बना हुआ है, किडनी बीमारी, लेकिन एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि बीमारी होती कैसे है, वाकई इसका पानी ही है। अगर पानी है तो पानी तो आप किससे, कितना आप मिनरल वाटर अगर दे रहे हैं तो बाकी और सब चीजों से तो वही वाला पानी उपयोग होगा ना, तो उस पानी से कैसे आखिरकार निजात मिलेगी? क्या सिर्फ वही पानी ही एक अकेला ऐसा कारण है कि जिससे ये बीमारी किडनी की फैल रही है, क्या और भी अन्य कारण है? वो आज तक क्यों पता नहीं लग पाई, ये बहुत बड़ा विषय है कि आखिर इस बीमारी का जो कारण है मुख्य वो क्या है। देखिए सुपेबेड़ा को लेके मैं विगत 3-4 वर्षों से काम कर रहा हूँ। सुपेबेड़ा की मुख्य समस्या जो है वो दूषित पानी है, उसके अलावा कोई समस्या वहां पर है नहीं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो घोषणाएं बहुत हुई, चिंतन बहुत हुआ, कैंप बहुत से हो गए, परंतु सुपेबेड़ा की समस्या कहाँ है? सुपेबेड़ा की समस्या जस की तस है, और पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, सुपेबेड़ा की सुध किसी ने नहीं ली और ग्रामीण तिल तिल करके मर रहे हैं। 70 तो सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो 150 से अधिक लोग आज तक सुपेबेड़ा में काल कवलित हो चुके हैं। ये ग्रामीणों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे टेस्ट होता है और जबलपुर की एक प्रयोगशाला में वहां की मिट्टी और वहां का पानी जांचा जाता है, तो उसमें साफ तौर पर यह निकल के आता है कि वहां पे
हैवी मेटलिक तत्व जो है वहां पे उस पानी में विद्यमान है, वहां पे आर्सेनिक है उस पानी में, वहां पे कोडियम है, वहां पे अन्य प्रकार के अन्य जहरीले तत्व है जिसको लेके ग्रामीणों की किडनी खराब हो रही है। और इसको लेके हमने बार बार ये मांग करी कि जैसा कि हमने कहा कि आप वहां पे सौर ऊर्जा से चलित जो है आप आरओ प्लांट लगा दीजिए, परंतु किसी सरकार ने वह भी नहीं लगाया। हमने तो पूर्ववर्ती सरकार के समय यह भी कहा कि आप राजधानी रायपुर में जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, आप गार्डन बगीचे बना रहे हो, हमारे से ठीक 150 किलोमीटर दूर राजधानी रायपुर से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह तिल तिल करके सिर्फ दूषित पानी पीने से मर रहे हैं, तो ये बड़ा निंदनीय है। और 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और हम मनुष्य हैं, ये मतलब कहने में मुझे शर्म आती है कि अगर दूषित पानी पीने से हमारे ही भाई बहनों की मृत्यु हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल महोदया ने दौरा किया, बहुत अच्छी बात है। राज्यपाल महोदया को सुपेबेड़ा में विगत जो 10 वर्षों में हुआ है, जैसा लोगों की मृत्यु हुई है, उसकी रिपोर्ट भी राज्यपाल महोदया को केंद्र सरकार को पहुंचानी चाहिए कि किस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने जो है लोगों की एक प्रकार से मैं कहूंगा हत्याएं तक की हैं, जो एक प्रकार से मैं आरोप नहीं, ये बिल्कुल जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वहां के सुपेबेड़ा के लोगों की हत्याएं की हैं जो है। तो राज्यपाल महोदया से मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम की वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है पहुंचाए। अब रही बात समस्या की, तो देखिए घोषणाएं फिर से हो रही, कैंप फिर से लग रहे, दौरे फिर से लग रहे, परंतु समस्याएं जस की तस है। मैं साफ तौर से कहता हूं कि पीने का पानी साफ मुहैया कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पुल निर्माण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुपेबेड़ा के ग्रामीणों के लिए जो है अन्य प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनकी समस्याओं का अब तक निदान हो जाना था, परंतु पुनः हम देखेंगे कि सिर्फ घोषणाएं हो रही है, सिर्फ जो है दौरे चल रहे, सिर्फ कैंप चल रहे, तो देखिए कब तक चलेगा। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद, बहुत ही गंभीर बात है। बाबूलाल जी, क्या आरओ वाटर देने से या वहां पर डायग्नोसिस के लिए एक डॉक्टर रख देने से क्या वहां की परेशानी हल हो जाएगी? आरओ वाटर चल मान लीजिए कि वो पी भी लेते हैं, बाकी और चीजों में तो उपयोग उसी पानी का होगा। देखिए स्थायी हल नहीं है ये, लेकिन टेम्परेरी रूप से जो आज वर्तमान में जो स्थितियां वहां की बनी हुई है उसको मैंने अस्थायी रूप से जो है इसमें समाधान हो सकता है, लेकिन इसमें सरकार जब हाथ डाल रही है या सरकार जब ध्यान दे रही है तो उसको स्थायी हल खोजना होगा। और निश्चित रूप से इसमें स्थायी हल के लिए जो है वो प्रयास बहुत गंभीरता से करने होंगे और बहुत गंभीर इस विषय को लेना होगा। अब राज्यपाल ने भी कह दिया है कि मैं जिम्मेदार रहूंगी इसके लिए, तो एक महत्वपूर्ण विषय तो बन चुका है ये। अब देखिए वर्तमान सरकार के प्रयासों में मुझे तो लगता है गंभीरता है। कल ही मेरी टीएस बाबा साहब से बात हो रही थी, स्वास्थ्य मंत्री जी से, उन्होंने वहां पर कहा कि आने जाने की तकलीफों के कारण लोग डायलिसिस करने रायपुर नहीं आना चाहते, तो हमने डायलिसिस की व्यवस्था वही करवा दी है, और वहां पर डॉक्टर जाना नहीं चाहते थे, स्थायी रूप से रहना नहीं चाहते थे, तो हमने एक रास्ता निकाला है कि हम रोटेशन पद्धति में जो 3-3 महीने जब तक वो महसूस करें कि हमको रहना है वहां, सेवा भाव से जो है डायलिसिस करने के लिए डॉक्टर लोग जाएंगे। ये एक व्यवस्था करने का प्रयास, जो असमंजस की स्थिति थी, जो अड़चनें थी डॉक्टरों के वहां जाने की, उसको दूर करने का प्रयास इस सरकार ने किया है, इस बात को मैं मानता हूं। ये पिछली सरकारों के प्रयास जो है असफल रहे थे, और अगर वो चाहते तो उसको संभाल सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। आज कम से कम जो है आने जाने की अड़चनें दूर हो रही है, और यहां आने की जरूरत नहीं, वहीं के वहीं डायलिसिस होगा। और देखिए मेरी एक समझ बनती है इसमें कि वास्तव में ये बिल्कुल राजनीति का विषय है ही नहीं, इसको राजनीति का विषय बनाना ही नहीं चाहिए। इंसानियत के नाते मानवीय पक्ष है, मानवीय पक्ष के रूप में जो है सबको मिलजुल कर जो है इस समस्या के प्रति समाधान खोजना चाहिए, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, किसी पार्टी का सदस्य हो, उसको सबको एक सोच से अगर करेंगे तो वहां के ग्रामीणों में किसी भी प्रकार की भेद नहीं होगा, और वो एक लाइन में सोचना शुरू करेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करेंगे। धनंजय जी, क्या सिर्फ एक, जैसा कि आपने कहा कि पानी का जिक्र किया आपने कि 15 साल से जो बीजेपी की सरकार थी स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा पाई, बाकी 70 सालों में तो कांग्रेस थी ना, वो पानी उपलब्ध तब तो नहीं होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। आप कैसे कह सकते कि 70 साल में पानी नहीं पाया? पानी मिला नहीं, दूषित पानी का जिक्र है। पानी पी तो है वो जगह का, उससे ज्यादा बदतर होती, वो पानी पी रहे उस जगह का, फिर क्यों आज आप आरओ वाटर दे रहे हो? जो राज्य में सरकार रही है 15 साल में सरकार की जो मानसिकता रही, 15 साल राज्य में सरकार जो रही है उनकी क्या मानसिकता रही, तो वहां पे विपक्ष में बैठे हैं ना, विपक्ष में बैठे हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। दिखता है
मैं धनंजय उनकी बात ही नहीं कर रहा, उनके 15 साल के शासन काल में क्या हुआ, 70 मौतें बोल रही है वो, क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो खुद गवाही दे रही है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हम उस बात तो पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाए, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। आज सरकार ने जो है वो संवेदनशीलता दिखा रही है, इसीलिए वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए निविदा कर दिया गया है और 1 साल के भीतर वहाँ पे स्वच्छ पेयजल वहाँ के आम जनता को मिलेगा और उनके स्वास्थ्य जो बीमार जो व्यक्ति है उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, निःशुल्क दवाइयाँ मिले, वहाँ पे ब्लड की अगर आवश्यकता पड़ती तो वो निःशुल्क मिले, डॉक्टर लगातार कैंप करें और डॉक्टर को अगर किसी बात की तकलीफ होती है वहाँ जाने में तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रोटेशन की प्रक्रिया की बात वहाँ पे कही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की संवेदनशीलता और चिंता जो है राज्य के हर व्यक्ति की। आपने आपने ये पहल की ही, आपने ये पहल की इसीलिए आपकी पहल का स्वागत भी हो रहा है धनंजय जी, लेकिन सवाल ही खड़ा होता 9 महीने के बाद अब वाटर प्लांट क्यों लग रहा है? ये तो तुरंत ही आपने कहा था कि यहाँ पर ये एक ऐसा सरकार अगर लगा देती तो 9 महीने थोड़ी लग जाता। लगाना चाहिए था सरकार आने के बाद, लगाना चाहिए सरकार आने के बाद। दौरा कब हो रहा है? 9 महीने बाद। आपने बीमारी का तो बड़ा जिस तरीके से वचन और वादे तो बहुत किए थे, अस्थायी तौर पे वहाँ पे अस्थायी तौर पे आरओ वाटर दिया जा रहा है और उसमें भी उसमें भी टीएस सिंधे जी ये कह रहे हैं आप पता नहीं वहां के लोग वो वाला पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे। कुणाल जी उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि आलो वाटर हमारे द्वारा दिया जा रहा है, आप पता नहीं वहां के लोग पिएंगे कि नहीं पिएंगे। अरे देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है, देखिए 9 महीना किसी भी सरकार के लिए बहुत होता है, 9 महीने में तो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब बात मौत और जिंदगी की हो रही है तो 9 महीने के आपने क्या किया मुझको इसका जवाब चाहिए। आप बोल रहे हैं कि 1 साल में अगर आरओ वाटर प्लांट लगाएंगे तो बहुत ही घटिया और बहुत ही निंदनीय बात है। धनंजय जी आप सप्ताह में आपका काम सुनने का, धनंजय जी अगर वो बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। लोग मर रहे हैं, आप पूर्व सरकार के दौरान धनंजय जी बिल्कुल मैं आपके पास, बाबूलाल जी एक शिविर लगा हुआ है आरओ प्लांट, अब 9 महीने बाद दिया जा रहा है, अब दौरा हो रहा है, दूसरा दौरा चूंकि राज्यपाल पहुंची इसलिए हो रहा है सभी मंत्रियों का। देखिए जो आरओ प्लांट की बात 1 साल की है इसमें मैं सहमत हूँ कुणाल भाई से कि जल्दी से जल्दी जितना कम से कम समय में मालूम है तुम्हारे पानी की समस्या तो जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। इस बात को धनंजय भाई को भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम जितनी जल्दी होगी करवाएंगे और धनंजय जी आपको बात रखने का वक्त मिला। परमानेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है। धनंजय जी बात पूरी कर लेने दीजिए, धनंजय जी आपको वक्त दिया गया, लोग मरे कोई चिंता नहीं। बाबूलाल जी बिल्कुल धनंजय जी, बाबूलाल जी जब मालूम है गाँव में वाटर ट्रीटमेंट का पानी मिलेगा, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। आप वो सरकार छोड़ दीजिए, जनता ने उसे नकारा है, विपक्ष में बैठी हुई है, इसी का एक कारण है कि विपक्ष में बैठी हुई कुछ किया नहीं, लेकिन मुद्दा है कि अभी सत्ता में आप हैं। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तो कहते हैं चंद मिनट भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और ये 9 महीने में बोल रहे हैं कि 9 महीने में एक वाटर प्लांट की बहुत बड़ी चीज थी क्या? रॉकेट साइंस का वाटर प्लांट जो 9 महीने लगने में लगते हैं उसको, अरे चंद्रयान पहुंच जाता है 15 दिन में और ये वाटर प्लांट नहीं लगवा पा रहे हैं। प्रक्रिया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उसमें किस प्रकार तो आप सरकार बनते ही क्यों नहीं वहां पहुंचे थे वहां के लोगों को देखने के लिए? आरओ में पानी दी जा रही है, WHO यूनिसेफ के माध्यम से आरओ में पानी। बाबूलाल जी बात कीजिए, जो आई साइल रास्ता है।
देखिए स्थायी समाधान के लिए जो कम से कम समय में वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लग सके उतना समय में लग जाना चाहिए। सरकार को अब प्राथमिकता के दृष्टिकोण से इस बात को देखना चाहिए। ये दर्द बिल्कुल सही है कि 71 लोगों की मौतें कोई छोटी मोटी मौत नहीं होती है, वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़िया लोग हैं। इस जवाबबाद का दर्द जो है निश्चित रूप से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को होगा, क्योंकि वे एक खांटी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है। इसलिए जो है मैं मान के चलता हूँ, मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ इस बारे में कि ये सरकार जो है उसमें सकारात्मक सोच के साथ में जल्दी से जल्दी वहाँ वाटर ट्रीटमेंट, यदि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाने से सारी समस्याएं हल होती है तो प्राथमिक स्तर पर लगनी चाहिए। और भी जो कारण होंगे दूसरे जिसमें इसमें ध्यान रखना चाहिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कि आर्सेनिक और कोडियम जो उस पानी में ज्यादा है वो उसमें से निकल सके, बाहर हो सके, इस बात का ध्यान रख करके वैसा ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगे, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि साफ सफाई की व्यवस्था और बहुत सारी समस्याएं जो वहां पर है जो ग्रामीण आज तक भोग रहे हैं, वो बेचारे मौन थे, चुप थे, आज जब मौतों के माध्यम से उनकी बातें सामने आ रही है, वो बोल नहीं पाए कभी, तो कम से कम अब सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है राज्यपाल ने भी कह दिया है और सरकार के अंदर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा है और आदिवासियों का मामला है, तो इसलिए जो है सरकार पूरा ध्यान दे करके जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है और विश्वास किया भी जाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल जी, कुणाल जी और धनंजय जी आपका भी। जिस तरह से देखा जाए सूपे बेड़ा में जिस तरीके से 70-71 लोगों की मौत हो चुकी है उससे अगर जरा सी भी पिछली सरकार की बात करें वो कतई गंभीर नहीं थी, क्योंकि जो परिणाम करने चाहिए तो उसके परिणाम दिखे ही नहीं। लेकिन अब वर्तमान सरकार क्या कुछ करती है, लगातार दौरे तो जारी है, राज्यपाल के दौरे के बाद वहां के लोगों को उम्मीद जरूर जागी है कि शायद अब वो किसी अपने को ना खोए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।